इंडिया के रेसलर्स जिन्होंने देश का नाम रोशन किया ओलंपिक्स मेडल जीतकर, लेकिन आज ये रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। 7 फीमेल रेसलर्स ने रेसलिंग फेडरेशन के चीफ पर सेक्सुअल हेरासमेंट के आरोप लगाए हैं। ये चीफ हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो यूपी में बीजेपी के एमपी भी हैं। 2019 के इलेक्शंस में इन्होंने जो एफिडेविट सबमिट किया था उसमें इनके खिलाफ 4 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, जिसमें मर्डर केस भी था। आपको बता दें कि जिन 7 रेसलर्स ने कंप्लेंट की है उनमें से एक माइनर है और बाकी जो है वो बड़े रेसलर्स के नाम है, जिनमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई और रेसलर्स भी शामिल है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें बीती रात पहलवानों के धरने के दौरान हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान गीता फोगाट के भाई दुष्यंत फोगाट के सिर पर चोट लगी। पहलवानों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने नशे की हालत में धरना स्थल पर पहुंचकर महिला पहलवानों पर अभद्र टिप्पणी की और पुलिस के कुछ जवानों ने शराब के नशे में डंडे से उनकी पिटाई भी की। ऐसे में पहलवान बजरंग पुनिया ने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचें। यहां ये भी बता दें कि ये खिलाड़ी जिस जगह सोते हैं वह बारिश के कारण पानी से भरा हुआ है, उनके पास सोने की जगह भी नहीं है। इसी स्थिति को देखते हुए साक्षी मलिक रो पड़ी और विनेश उन्हें चुप कराती हुई नजर आई। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा बीती रात जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बिना इजाजत फोल्डिंग बेड लेकर प्रदर्शन स्थल आ गए। बीच बचाव करने पर समर्थक ट्रक से ब्रेड निकालने के प्रयास में आक्रामक हो गए। इसके बाद एक मामूली विवाद हुआ जिसमें श्री भारती को 2 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उसी समय धरना स्थल पर उनसे मिलने पहुंची थी, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए वीडियो भी शेयर किया। वहीं इससे पहले बुधवार को आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अन्य पहलवानों से मुलाकात की, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और उन्हें मदद करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। इससे पहले भी वहीं भाजपा से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि वे WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसी बीच महीनों बीत जाने के बाद भी ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर देश के पहलवान अभी 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं, जिस पर केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। बीती रात हुए मामले के बाद धरना स्थल पर धारा 144 लगा दी गई और किसी को भी पहलवानों से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब देखना ये होगा कि देश की शान बढ़ाने वाले पहलवानों को न्याय मिल पाएगा या फिर यूं ही पहलवानों के धरना स्थल पर आकर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। इसके अलावा सवाल ये भी खड़े होते हैं कि तिरंगे का मान बढ़ाने वाली बेटियां क्या आधी रात जंतर मंतर पर यूं ही आंसू बहाती रहेंगी। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें खबरस्तान नेटवर्क के साथ। नमस्कार।